सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। फर्जी मंत्री और पीआरओ बनकर पुलिस अधीक्षक से फोन कर सिफारिश करने वाले दो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला जनपद खीरी का है, जहां कुछ दिनों पहले पुलिस अधीक्षक किसी यूजी नंबर पर कॉल करने वाले अपने आप को मंत्री बताकर गोरा फंटा पुलिया से मथुरा चलने वाली बसों के संबंध में सिफारिश कर डाली। जब पुलिस अधीक्षक को शक हुआ और जांच की गई तो मामला फर्जी निकला। इधर फर्जी मंत्री हुए उनका पीआरओ बताने वाले के खिलाफ सरदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजवीर सिंह बस मालिक है, वह दूसरा गौरव सहायक कर्मचारी है। ये दो अभियुक्त एक गौरव शक है और राजवीर सिंह ये गिरफ्तार हुए हैं। घटनाक्रम इस प्रकार था, 23/11/2019 को एक नंबर से इन्होंने हमारे सीयूजी नंबर पर फोन किया और जो गौरव शाक्य है यह मंत्री जी का प्यारो बना, मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी का इन्होंने नाम लिया कि वो बात करेंगे। और जो राजवीर सिंह है यह फर्जी जो मंत्री बनके इसने बात की और कोई बसें जो मथुरा से पलिया तक चलती हैं उसके संबंध में ये कुछ बात बता रहे थे, जिस पर शक हुआ तो जानकारी की गई और मंत्री जी के यहाँ लैंडलाइन नंबर पर और सीयूजी नंबर पर फोन करके पता किया गया तो जानकारी हुई वहां से कोई फोन नहीं किया गया है। जब इस बात की पुष्टि हुई उसके बाद इन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए।